सो व्हाट्सअप गाइस, आज आपका भाई सिखाने वाला है न्यू सीवी फोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। अभी तो कोई आज तक इतना अच्छे तरीके से आप लोग को कोई बता नहीं गा, वो भी आपका भाई बताएगा ऑन क्लिक में आप लोग फोटो को एडिट कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो हमारा ओजे पिक देख सकते हो इस साइड में कितना गंदा और कितना बेकार दिख रहा है। तो हमारा इस साइड में देखिए फोटो को एडिट किए थे कितना अच्छे तरीके से और कितना खतरनाक तरीके से हमारा सीवी फोटो एडिट हुआ है। कुछ आप लोग भी चाहते हो कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिट करना तो एंड तक वीडियो देख लेते हो। पूरा शुरू से स्टार्ट से एंड तक आप लोग कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ साथ भी आपका बताएगा फेस को कैसे सीवी एडिटिंग में आप लोग को कन्वर्ट करा जाता है, फेस को कैसे सीवी एडिटिंग में स्मूथ करा जाता है, सारा कुछ आपका भाई इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता चुका है। बस आप लोग को क्या करना पूरा एंड तक गाइस वीडियो वॉच करना है, और गाइस मेरे चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन आप लोग को प्रेस कर देना। तब तक के लिए गाइस हम क्या करते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो व्हाट्सअप गाइस आ चुका है अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आप लोग चाहते हो कुछ इस टाइप का फुल एचडी क्वालिटी में सीवी फोटो एडिट करना तो सबसे पहले आप लोग दिखाते हैं इसका रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं कितना एचडी क्वालिटी में हमारा फोटो एडिट हुआ। तो सेम तरीके से आप लोग को ऐसा एडिट करना चाहते हो, अभी तक कोई आप लोग को बता दिएगा ना ऐसा सेम फोटो एडिट करने के लिए भी सीवी फोटो एडिटिंग, तो आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को फोटो एडिट करने से पहले आप लोग को ओजन पिक को लेना है। तो हम क्या करें इसी फोटो को हम क्या करें एडिट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को जो ओजन पिक को एडिट करना रहेगा तो वो फोटो को ले लेना। उस फोटो को गाइस लेने का सबसे पहले आप लोग को लाइट रूम एम में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। लाइट रूम एम में गाइस शेयर करेंगे तो आप लोग को कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना, एक प्रीसेट का लिंक मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना वो भी बता देंगे सबसे लास्ट में। तो आप लोग को क्या करना, इधर कॉपी सेटिंग करके ऑप्शन आएगा, तो इधर क्या करना आप लोग को कॉपी सेटिंग कर लेना है। कॉपी सेटिंग करके इसको डरना जाना है, तो उसके बाद गाइस ओजन पिक को लेना है अपना ओजन पिक को। उसके बाद गाइस आप लोग थ्री डॉट पैसा करके टाइप करेंगे, इधर देखिए तो आप लोग को आएगा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ एक ही क्लिक में आपको अभी बताया था फोटो को एडिट करना बताएगा। तो देख सकते हो कुछ एक ही क्लिक में आपका भी बता चुका हूँ फोटो को ऐसा करके एडिट कर सकते हो। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से अपना फोटो को एडिट करके। तो आप लोग को क्या करना फोटो को फुल एचडी क्वालिटी करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना शेयर आइकन पे गाइस टाइप करना, अपना फोटो को शेयर करेंगे तो कुछ आप लोग का भी फोटो कुछ ऐसा करके स्कैन करेगा। तो देख सकते हो हमारा फोटो कैसा करके स्कैन कर रहा, सेम तरीके से आप लोग का भी फोटो ऐसा करके स्कैन करेगा। स्कैन करने वाला गाइस आप लोग को क्या करना ना, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो अपना फोटो को स्नैपशीट एप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। स्नैपशीट एप में गाइस अपना फोटो को शेयर करने में गाइस आप लोग को सबसे पहले आप लोग को देखना है हमारा फेस कहाँ पे ब्लैक है। तो ब्लैक को गाइस खत्म करने के लिए आप लोग इधर देखिए, तो आप लोग को क्या करना है सेलेक्टेड टूल पे आना। तो सबसे पहले आप लोग सेलेक्टेड टूल पे आ जाना है। सेलेक्टेड टूल पे आने के बाद आप लोग को जहाँ फेस पे ब्लैक रहेगा तो इस ब्लैक को क्या करना है माइनस एंड प्लस करके अपने फोटो के हिसाब से आप लोग को एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आपका भाई एडजस्ट कर रहा है, तो सेम तरीके से करके भी अपना फोटो को एडजस्ट करना है। तो जैसा आपका भाई एडजस्ट कर रहा है तो आप लोग सेम तरीके से करके एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो अच्छे तरीके से आप लोग एडजस्ट कर लेना है, जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक एंड रेड टोन रहेगा तो आप लोग सेम तरीके से कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लेना। उसके बाद गाइस इतना प्रोसेस हो जाने के बाद आपका भाई इधर देखिए हैंड पे थोड़ा सा बचा, इसको भी सेम प्रोसेस करके अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम कर लिए हैं। उसके बाद इतना प्रोसेस हो जाने के बाद सीवी एडिटिंग में गाइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग देखिए इधर देखिए एचडीआर करके लिखा ऑप्शन, एचडीआर पे हम टाइप करेंगे तो हमारा फोटो पूरा ब्लैक एंड पूरा फोटो खराब हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे और इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। इतना करके माइनस करने बाद आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को क्या करना है सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, इसको भी थोड़ा सा माइनस करके आप लोग को क्या करना है, डन वाला आइकन दिख रहा है राइट साइड के कोने में, तो आप लोग हमारा फोटो फेस भी एंड सारा कुछ खराब हो गया। तो आप लोग को क्या करना है, इतना फोर्सेस होना है डन वाला आइकन पे टाइप कर देंगे। उसके बाद शेयर वाला आइकन के बगल में इधर व्यू एडिट दिख रहा है, इस व्यू एडिट पर टाइप करेंगे। उसके बाद पेंसिल वाला आइकन पे गाइस इस पर टाइप करेंगे एचडीआर पे। उसके बाद पेंसिल आइकन पे गाइस टाइप कर, इधर मार्क मार्क दिखा रहे तो आप लोग उस पर टाइप करना है। उसके बाद इस बार आइकन पे दाबना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपने फेस पे बस इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है, इरेज कर लेना। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी इरेज कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं, सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी इरेज कर लेना है। तो देख सकते हो आप लोग ध्यान से और ज़्यादा ध्यान से यहाँ से क्या करना ना, आप लोग ध्यान से देखना है कि इस अपने कपड़े पे से आप लोग को और बैकग्राउंड पे से इरेज नहीं करना। तो देख सकते हो आपका भाई कपड़े पे से और बैकग्राउंड पे से नहीं इरेज कर रहा है, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी इरेज कर लेना। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अरेंज करेंगे तो आप लोग का फोटो जो होगा ना इतना एचडी क्वालिटी में आप लोग का फोटो सेव होगा, जो आप लोग का लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा बहुत ही कत ही जहर रिजल्ट आप लोग को निकल के आएगा। तो पूरा बॉडी पैसा आप लोग को नहीं, बस अपने फेस पैसा और हैंड पैसा आप लोग को इरेज कर लेना है। जैसा आपका भाई इरेज कर रहा है सेम प्रोसेस करके आप लोग को इरेज कर लेना। और गाइस आप लोग क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप लोग मेरे चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ में आप लोग को बेल आइकन बटन भी आप लोग को प्रेस कर देना है।
तो देख सकते हो आपका भाई कितना अच्छे तरीके से अरेज करा था, और हाथ पैसा आप लोग को सारा जगह से अरेज कर लेना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारा पैसा इधर थोड़ा सा बचा, इसको भी अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा फोटो पैसे इरेज हो गए सारा कुछ पैसे। उसके बाद गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, अभी तो देखिए जमीन एंड आसमान का फर्क हो जाएगा अभी से। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, अपना फोटो को हम क्या करेंगे फेस को स्मूथ करेंगे। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग को क्या करना है और कौन सा सेटिंग और कौन सा ब्रश को लेकर स्मूथ करेंगे। और गाइस सबसे पहले आप लोग शेयर वाला आइकन में स्टैप करके अपना फोटो क्या करना ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। इसमें गाइस शेयर करेंगे कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। सबसे पहले आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा तभी हम क्या करेंगे अपना फोटो को, सॉरी गाइस अभी जहां जा रहा वॉइस में आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम आता होगा, तो आप लोग को क्या करना है सेटिंग करके सेम प्रोसेस करके आप लोग को सेटिंग को रख लेना है। तो इतना करके सेटिंग को रख के आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ होगा। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। इसके लिए गाइस आई एम रियली सॉरी कि बोले आप लोग पता है हमारे घर हमारा किधर है एयरपोर्ट के बगल में, इधर जहाज आता जाता रहता है, इसके लिए बैकग्राउंड नॉइस आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया सुनने के लिए। इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोग डिस्टर्ब होएंगे। तो आप लोग को क्या करना सेम प्रोसेस करके अच्छे तरीके से आप लोग अपना फेस को स्मूथ कर लेना। तो फाइनली गाइस आप लोग क्या करते हैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके जल्दी जल्दी करके अपना फेस को क्या करते हैं हम स्मूथ कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहे हैं। सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस को स्मूथ कर लेना है। जैसा आपका भाई फेस को स्मूथ कर रहा है सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी स्मूथ करना है। स्मूथ गाइस करने के बाद आपका भी बताएगा अभी आप लोग बैकग्राउंड सीवी एडिटिंग में भाई कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग तो फेस स्मूथ करना तो सीख जाइए। तो ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ कर लेना। स्मूथ करने के बाद इसी ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप में गाइस आपका भाई बताएगा क्या चीज़ बताएगा आप लोग लिप्स को कैसे रेट कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लेना। काफ़ी अरे यार तबीयत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया भाई, इसके लिए थोड़ा बहुत खांसी वगैरह आ जा रहा है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी करके कर लेना है। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम अपना फेस पैसे एंड हाथ को सारा कुछ स्मूथ करें। तो सेम तरीके से करके आप लोग भी करके अच्छे तरीके से स्मूथ करना है। तो देख सकते हो आपका भाई कितना अच्छे तरीके से स्मूथ करा है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी स्मूथ करना है। तो जैसा आपका भाई स्मूथ करा है तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी स्मूथ करना है। तो ऐसा सेम प्रोसेस करके स्मूथ करेंगे तो आप लोग का फोटो क्या होगा ना इतना एच डी क्वालिटी में सेव होगा। तो कैसे सेव होगा वो भी बताएंगे। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो क्या हुआ फाइनली स्मूथ कर चुके थे, अभी हमारा फोटो क्या हुआ थोड़ा सा इधर पैर के पास में इधर बचा है फेस को स्मूथ करने के लिए और हैंड के स्मूथ करने के लिए। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा फेस वगैरह सारा कुछ स्मूथ हो चुका। इसके बाद गाइस आपका भी बताएगा बैकग्राउंड में इधर देखिए बैकग्राउंड जब आप लोग एडिट करते दो कलर में आ जाता है, क्यों आता है तो आप लोग को वो भी बताएंगे और ट्रिक करेंगे तो आप लोग को नहीं आएगा। तो हमारा लिप्स को रेड करने के लिए आप लोग डुप्लीकेट लेयर बना के इसको गाइस सॉफ्ट लाइट करके रख के उसको तो कलर वाला आइकन पे आकर रेड कलर को सेलेक्ट कर लेना। गाइस आप लोग ये वाला गाइस आप लोग को ब्रश को ले लेना है। ब्रश को गाइस लेने में तो अपना लिप्स को ऊपर चलाएंगे तो हमारा लिप्स देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से रेड हो रहा था। सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी लिप्स को ज़्यादा रेड हो गया तो आप लोग को क्या करना वो भी आप लोग को बताएंगे। जो डुप्लीकेट लेयर बनाए थे ना उस डुप्लीकेट लेयर पे हम क्या करेंगे टाइप करके इसको एफ सी टू को कम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा फोटो में जो रेड टोन था वो खत्म हो जाएगा, लिप्स से ज़्यादा रेड होगा। उसको गाइस आप लोग को शेयर वाला आइकन में गाइस टाइप करके आप लोग को जो ट्रिक बताने जा रहे हैं अभी अभी तक कोई बताए नहीं आप लोग को किस में पिकार्ट टाइम में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इधर देखिए एडिट वाला आइकन पे गाइस टाइप कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ देखिए कलर दो कलर हमारा बैकग्राउंड में हो चुका था, हमको एक ही कलर रखना तो सेम वो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेंसिल वाला आइकन पे गाइस टाइप कर अपना सेट पे से कलर को अरेंज कर लेना है। तो अरेंज करने के बाद आप लोग देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके ये प्रोसेस आप लोग को करके अरेंज कर लेना है। उसके बाद आप लोग देखिए दोनों को कितना अच्छे तरीके से मैच करा चुके बैकग्राउंड को। उसके बाद डन वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को डन कर लेना है। जैसा आपका भाई डन कर रहा है उसके बाद सेम प्रोसेस करके आप लोग को डन कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोग को शेयर वाला आइकन पे आना है। शेयर वाले आइकन पे गाइस आने वाला अपना फोटो को फोटो रूम ऐप में गाइस शेयर कर लेंगे। फोटो रूम ऐप में गाइस इसके लिए शेयर करेंगे कि गाइस फोटो रूम में हमारा बैकग्राउंड जो होगा तो कत्थई और कत्था अच्छा अच्छे तरीके से क्या होता है ब्लर होता है इतना अच्छे तरीके से। अभी तक कोई ऐप में गाइस आप लोग को बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता। सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना और डाटा ऑन कर लेंगे तो कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। इसमें आ जाने के बाद उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना ना इधर देखिए
ब्लर वाला आइकन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लर वाला आइकन पर गाइस टैप कर देंगे। ब्लर वाला आइकन पर गाइस टैप करने के बाद गाइस आप लोग को कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा, तो आप लोग को क्या करना है, फिर से गाइस ब्लर वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टैप करना है। फिर से गाइस ब्लर वाला आइकन पर गाइस टैप करके इधर बोका इफेक्ट लिखा तो इस पर टैप कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को दूसरे नंबर ब्लर को सेलेक्ट करके इसको आप सीट को आप लोग को 40 से ऊपर नहीं और कितना 35 से नीचे नहीं करना है, 40 का एंड 35 के बीच में आप लोग को करके रख लेना है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, अपन फोटो को आप लोग को फोटो को शेयर वाला आइकन पर गाइस टैप करके अपना फोटो को सेव करके इधर इस गाइस फिर से हम क्या करते हैं, पिका टाइम में आ जाते हैं। इसमें गाइस आने वाले ऐड फोटो पर आएंगे, ऐड फोटो पर गाइस आने वाले गाइस आप लोग को क्या करना, इस वाला आइकन पर टाइप करके अपना ऐड फोटो को लेके दोनों फिंगर से जूम करके अपना फोटो के ऊपर अप्लाई करके पिंसल आइकन वगैरह टाइप करके इसको क्या करना, इधर देखिए इसको गाइस आप लोग को क्या करना, इरेज कलर नीचे के साइड में इरेज करके अच्छे तरीके से अपना फोटो को बैठा लेंगे। उसके बाद गाइस आपका भाई बताएगा, देखिए क्या चीज़ बताने वाले आप लोग, देखिए इसको कलर को चेंज करने के लिए आप लोग एडिट वाला आइकन पर आना है और गाइस कलर वाला आइकन पर आकर आप लोग सेलेक्ट करके जो कलर रखना चाहते हो कलर रख सकते हो। तो जो आपका भाई थंबनेल में दिखा था ये कलर था तो ये कलर को करके रख लेता। उसके बाद इतना प्रोसेस हो जाने वाला आप लोग को क्या करना, आप लोग देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो में भी क्या होगा, तो एक पीएनजी का गिटार का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ का लिंक दे देंगे, बहुत अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ गिटार बैठाने के रिमूव पीजिप टाइप करना है, तो एक ही क्लिक में हमारा क्या होगा, गिटार को जो हमारा बैकग्राउंड व्हाइट व्हाइट हो कट हो जाएगा, कट हो जाने में गाइस अपना पीएनजी को कन्वर्ट हो चुका, हमारा गिटार पीएनजी में कन्वर्ट हो चुका। अच्छे तरीके गिटार को आप लोग बैठा लीजिएगा, जैसे हम बैठा रहे हैं रोटेट करके सेम प्रोसेस करके आप लोग बैठाएंगे, तो आप लोग को देखिए अच्छे तरीके से गिटार को बैठा लेंगे। उसके बाद पेंसिल आइकन पर टाइप करके यहाँ से गाइस हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। इरेज हो जाने बाद हमारा फोटो में देखिए जैसे लग रहा है गिटार को लेके बैठे हैं, तो सेम प्रोसेस करके कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना ना, इधर देखिए इधर आप लोग को एक पीएनजी लगाना, तो क्या का लगाना है पीएनजी को, तो हम क्या करते हैं पीएनजी को लगाना है सॉफ्ट लाइट करके, लाइट का पीएनजी आप लोग को ले दे देंगे, आप लोग बहुत अच्छे तरीके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डन वाला आइकन पर गाइस टाइप करके अपना फोटो को डन कर लेंगे। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे ना, अपना फोटो को देखिए ये वाला लिंक आप लोग को सारा कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीएनजी वगैरह दे देंगे, आप लोग बहुत आसान तरीके से डाउनलोड करके उसके बाद इतना प्रोसेस हो अपना फोटो को डन कर लेंगे। अभी देखिए बैकग्राउंड जो बोक है इफेक्ट रहा था, इसको बैकग्राउंड का जो बोक है इफेक्ट है, तो पीएनजी को ले लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम पीएनजी का क्या करते हैं, लेके इसको गाइस सॉफ्ट लाइट करके, सॉरी गाइस सॉफ्ट करके रख के बैकग्राउंड हमारा देख सकता कितना अच्छे तरीके बोक का इफेक्ट आ चुका। उसके बाद गाइस हम क्या करें, पिक्सल आइकन पर गाइस टाइप करके हम क्या करेंगे ना, देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो पे इसे इरेज कर लेना। आप लोग जो जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा, जहाँ जहाँ आप लोग बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट नहीं देना चाहते, सेम प्रोसेस करके आप लोग इरेज कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो आपका भाई जैसा दिखा था थंबनेल में सेम फोटो एडिट करके दिखा चुका है। आई होप गाइस आप लोग को काफ़ी ज़्यादा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को क्या करना, मेरे चैनल पर नए तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी